वेलकम टू माय चैनल पीआर एडवाइज़र्स। मेरा नाम अक्षय खुराना है और आज हम बात करेंगे अगर कैसे अप्लाई करना है पीएनपी ओंटारियो की पीएनपी में। तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आपकी एक्सप्रेस एंट्री वैलिड है और आपको एनओआई आई हुई है, दैट मींस नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट, और मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, अगर आपको एनओआई आई हुई है उसके बाद आप कैसे स्टार्ट करोगे प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपको वन की में लॉगिन करना पड़ेगा, ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वन की। आपको यहाँ जाना पड़ेगा और आपको साइन अप करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ऑलरेडी अकाउंट था इसमें, तो मैं साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद जो पहला पेज खुलेगा वो कुछ इस तरह दिखाई देगा, इस तरह। तो आपको यहाँ पे ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद ये पेज जो खुलेगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद देन अगेन कंटिन्यू। ये कुछ 5-6 टोटल है पेजेस, इसमें आपको अकाउंट बना होगा, इसमें अपना नाम अपनी आईडी डालनी होगी। आईडी डालने के बाद ये फाइनल लॉगिन होगा। ये वाला पेज जो आपका है ये फाइनल पेज है। जैसे मेरी ऑलरेडी फाइल सबमिट थी, तो ये मेरा फाइल नंबर था, ये कौन सी स्ट्रीम है, कब सबमिट की थी, स्टेटस, जैसे मेरा ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है तो ये मेरा स्टेटस था। तो आपको क्या करना, आपके लिए ये पेज नहीं खुलेगा, आपके लिए ये खुलेगा सबसे पहले। तो ये है सबसे पहले पेज, इस पे आपको ये पूरी डिटेल फिल करनी होगी, असिस्टेंट विद एप्लीकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन है। और ये इसमें योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और ये फाइनल समरी है, ये बहुत ही ईजी है, ये सारा का सारा काम आप खुद कर सकते हो, किसी की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसा कैसा फॉर्म होगा, कैसा कैसा आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए चाहिए। सो असिस्टेंट विद एप्लीकेशन में एक सिंपल क्वेश्चन है कि आप खुद कर रहे हो एप्लीकेशन कंप्लीट या आपको असिस्टेंट चाहिए। तो जैसे मैंने खुद किया है तो मैंने नो किया, उसके बाद आप नेक्स्ट करोगे, जनरल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में आपकी एक्सप्रेस एंट्री नंबर रहेगा, आपका स्कोर रहेगा और आपका जॉब सीकर वैलिडेशन कोड रहेगा। और एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में सारी पर्सनल डिटेल्स होंगी, लाइक पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसमें आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपडेट करना पड़ेगा, ये सब पर्सनल डिटेल्स है इसलिए मैं खोल नहीं रहा। उसके बाद इमिग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इमिग्रेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करोगे तो आपका क्लाइंट नंबर आ जाएगा, IRCC जो पासपोर्ट है उसकी जो एक्सपायरेशन डेट है वो आ जाएगी, जनरल क्वेश्चंस आ जाएंगे जैसे कि आप और आपका स्पाउस, इंडिपेंडेंट चाइल्ड जो इस एप्लीकेशन में इंक्लूड है नहीं है, वो सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, आपको बस फिल करना होगा, ऑनलाइन ही फिल करना होगा। एजुकेशन हिस्ट्री में आपको सारी की सारी एजुकेशन हिस्ट्री डालनी पड़ेगी, आपको अपना ECA वेस्ट नंबर डालना पड़ेगा, अगर आपने वेस्ट करवा रखी है तो वो नंबर कोई सी भी है आपको वो करनी पड़ेगी। ये थोड़ी सी डिटेल होगी, कौन से कहाँ पर स्टडी की है एंड ऑल दैट, वो सारी आपको फिल करनी पड़ेगी, वेस्ट की डिटेल फिल करनी पड़ेगी। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको अपनी आइल्स की डिटेल सेंड करनी फिल करनी पड़ेगी, आपको आइल्स का नंबर, अपने हर मॉड्यूल में कितने मार्क्स हैं वो करने पड़ेंगे। बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट इन ओंटारियो की, इसमें सिंपल ये रहेगा कि डू यू हैव जॉब ऑफर इन ओंटारियो, येस और नो, करंटली वर्किंग इन ओंटारियो, येस और नो। जैसे कि ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम में आपको किसी भी तरह का काम नहीं चाहिए, आपको कि किसी भी तरह का वर्क परमिट नहीं, LMI की ज़रूरत नहीं है, कोई जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, तो आप नो करोगे दोनों में। उसके बाद वर्क हिस्ट्री, वर्क हिस्ट्री में सिंपल रहेगा कि आपने
जिसके लिए आप अब जिस भी वर्क हिस्ट्री के, जैसे लास्ट 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मान लीजिए आपके पास 5 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, तो वो वर्क की पूरी वर्क हिस्ट्री आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जिस जिस जगह पे भी जॉब किया है। और उसके बाद ये है अदर एक्टिविटीज़, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी आई मीन कि आपको पास्ट 10 ईयर्स और 18 ईयर्स जो भी कम होगा वो आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री डालनी पड़ेगी। जैसे आप डू यू हैव एनी अदर एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडिंग एजुकेशन एंड पेड वर्क, उसके अलावा जो भी पास्ट 10 ईयर में आपने किया है वो सारा का सारा आपको एक एक एंट्री डालनी पड़ेगी, चाहे वो आप अनएम्प्लॉयड हो, चाहे आप बाहर घूमने गए हो, आपको पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको पूरी की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। आप रिसेंट से स्टार्ट कर लो, पीछे तक 10 साल के चले जाओ, और एक एक डिटेल होनी चाहिए, कोई भी मिस मत करना। इंटेंशन टू रिजाइड इन ओंटारियो, ये एक फैमिली इंफॉर्मेशन में जस्ट आपको बताना है, कोई अगर तो आप डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स मींस आप अगर आप सिंगल हो तो नो आ जाए, अगर मैरिड हो तो आपको यस करना पड़ेगा, आपकी फैमिली डिटेल सेंड करनी पड़ेगी, फिल करनी पड़ेगी। सेटलमेंट फंड्स की बात करूँ, सिंपल आपको पूछेंगे कितने फंड्स हैं आपके पास, कितने लेके जाओगे, वो आप रफ नंबर बता सकते हो, एग्जैक्ट की बात नहीं है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में ऑलरेडी फिल कर चुके हैं $12,000 और 15, तो वो यहाँ पे सेम फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लर्निंग अबाउट ONP में सिंपल रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा कि आपने कहाँ से ONP के बारे में पढ़ा है, किसी फ्रेंड ने बताया है, किसने बताया है, तो ये सिंपल एक क्वेश्चन रहेगा, इसका कोई भी आंसर आप दे सकते हो। और ये दोनों पार्ट डॉक्यूमेंट्स वाले रहेंगे, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, वो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कौन कौन से फॉर्म अपलोड करने पड़ते हैं। शेड्यूल A, B, C, D, ये बहुत ही सिंपल येस और नो के क्वेश्चन रहेंगे, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा, इसको ओपन करके येस येस या नो नो जो भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ तो उसका बताना पड़ेगा, और वो आपकी सिंपल क्रिमिनलिटी पे क्वेश्चंस होंगे, येस नो करना पड़ेगा। और फाइनली समरी, उसके बाद आपको फाइनल पेज ओपन होगा, समरी में अगर सब कुछ सही फॉर्म फिल किया है तो आपको उसके बाद 1500 फीस रहेगी, वो आपको फिल करनी पड़ेगी। 1500 फीस फिल करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, एक्नॉलेजमेंट आने के बाद यहाँ पे स्टेटस चेंज होता रहूँगा, मैं आपको बताता हूँ पीछे जाके। ये वाला पेज था जहाँ पे आपका फाइल नंबर जनरेट हो जाएगा और डेट ऑफ सबमिशन आ जाएगी, और यहाँ पे स्टेटस चेंज होता रहेगा। सबसे पहले स्टेटस आता है सबमिट का, वो 1-2 दिन में बाद आ जाता है जब सबमिट हो जाती है, अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो सबमिशन आ जाती है और कंप्लीशन लेटर आ जाता है। उसकी 1 वीक के अराउंड असेसमेंट, यहाँ पे स्टेटस चेंज हो जाता है असेसमेंट कि सब कुछ सही है, असेसमेंट स्टार्ट हो गई है। उसके मेरे केस में आफ्टर 1 वीक स्टेटस फिर चेंज हो गया था डिसीजन इन प्रोग्रेस, तो कई बार कई लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, कहीं जल्दी हो जाता है। उसके बाद अराउंड 1.5 मंथ के बाद स्टेटस अप्रूव चेंज हुआ था, वो भी स्टेटस यहाँ से बाद में चेंज हुआ था। एक्सप्रेस एंट्री आप GC की में जाके लॉगिन करोगे तो वहाँ पे अगर नॉमिनेशन मिल गई है तो आपको वहाँ पे आ जाता है कि आप नॉमिनेशन एक्सेप्ट करना चाहते हो नहीं चाहते, क्योंकि उसके लिए आपको 30 डेज़ का टाइम मिलता है। और इस फोर प्रोसीजर को फिल करने में ओंटारियो के नॉमिनी प्रोग्राम में NOI आने के बाद आपको 45 डेज़ मिलते हैं पूरा सबमिट करने के। ये था वीडियो पूरा ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम के लिए। कोई भी किसी तरह का आपका कोई कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। थैंक्स फॉर लिसनिंग इट एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।